सुबह का नमस्कार दोस्तों। बरसात के दिन वाकई आ गए हैं और मैं छाता लेकर निकल चुका हूँ अपने अम्ब्रेला के साथ एट सहरसा जंक्शन रेन विथ ट्रेन। दोस्तों ये ग्रीनरी सा मौसम, बारिश की हल्की हल्की बूंदे और ये उसमें गुजरती हुई ट्रेन, बहुत ही बेहद सुखद अनुभव होता है जब आप बरसात के दिनों में सफ़र करते हैं। ट्रेन बहुत ही प्यारा खुशनुमा होता है। ये माल गोदाम सहरसे का सीन आपके सामने और बारिश में भीगी ये ट्रेनें शायद आपको याद दिलाती होंगी वो बारिश के मौसम के समय का वो ट्रैवलिंग, जब आप कभी टूर पे होंगे जैसा कि अभी आप टूरिंग टिप्स के साथ। मैं छाता लेकर निकल चुका हूँ आपके लिए वीडियो कंपोज करने। बारिश के मौसम में बरसात के दिन वाकई आ गए हैं और सहरसा जंक्शन पे आपके लिए वीडियो कंपोजिंग करने के लिए। दोस्तों ये देखिए गुड्स ट्रेन और रेलवे कॉलोनी वेस्ट एट सहरसा जंक्शन आपके नजरों के सामने और P5 इंजन रेलवे की इंजन। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि दोनों ट्रेन आपस में मिलने जा रहे हैं और लेकिन ऐसा नहीं है। फिर भी आपको ये नज़ारा दिखाते हुए मुझे बेहद आनंद आ रहा है। शायद आप भी ट्रेन टिप्स के माध्यम से बरसात में इन ट्रेनों का आनंद लेते हैं। कितनी खूबसूरत दिखती हैं ये ट्रेनें बरसात में। ये एक ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, बारिश में रिमझिम फुहारों के साथ मचलती हुई ट्रेन की पटरियों को चूमती हुई ट्रेन की बेल्स, ये बारिश की रिमझिम बूंदे इतलाती बलखाती ये अपने गंतव्य को जाती ट्रेनें, बहुत ही प्यारा सा अनुभव है दोस्तों। सहरसा जंक्शन का ये मौसम और बरसात का मौसम जिसमें ये ट्रेन की लुक्स, ये देखिए क्रेन्स, इंडियन रेलवे की क्रेन्स, ये ओल्ड क्रेन्स आपको सामने दिख रहा है। तो मैं आज आपको सहरसा जंक्शन पे बारिश में ट्रेनों के साथ भिगो रहा हूँ। देखिए एक खूबसूरत से ट्रेन का एक नज़ारा, एकदम कर्व लेती हुई ये ट्रेन आपके आंखों के सामने गुजरती हुई। ये ट्रेन मधेपुरा को जा रही है, ये गुड्स ट्रेन गुजरती हुई एक और ट्रेन जो मधेपुरा के लिए ही जा रही है, सहरसा टू मधेपुरा। बड़ी चैलेंज शुरू है, बारिश में ये ट्रेन गुजरती हुई काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। बहुत ही धुंध सा प्रतीत हो रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं बरसात का मौसम और सहरसा जंक्शन विथ टूरिंग टिप्स कुमार हेमू। ये प्लेटफॉर्म का नज़ारा, बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही, कभी धीमी कभी हल्की फुल्की और इंजन बरसात के साथ। इस सहरसा जंक्शन का वीडियो आपके लिए लाया हूँ मैं दोस्तों। अभी ये ट्रेन जो आप देख रहे हैं ये सहरसा से अमृतसर जाने वाली जनसेवा एक्सप्रेस ट्रेन है, जो बहुत पहले, सबसे पहले जब ब्रॉडगेज का हॉरिजॉन्टली दिखाया गया था तो ये ट्रेन यहाँ से सबसे पहले रवाना हुई। ये देखिए रेलवे यात्री सुरक्षा 182 एनरेज राजकीय रेल थाना सहरसा विद कुमार हेमंत समस्तीपुर सहरसा पूर्णिया बरहारा कोटी गढ़बारी समस्तीपुर। इस वर्ष लगभग 2 वर्ष बाद सहरसा सुपौल बड़ी रेल लाइन ब्रॉडगेज का परिचालन CRS निरीक्षण के बाद जनवरी 2019 में तथा लास्ट फैब से गढ़बरवाड़ी तक सुपौल के
पहले का स्टेशन है। ट्रेन परिचालन शुरू होने के बाद आज ये वीडियो आपके लिए विद ड्यूरिंग ट्रेन जे ट्रेन चल पड़ी है। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि लगभग 20 किलोमीटर में पुल अर्ध निर्मित है। आमान परिवर्तन का काम बचा हुआ है जो 2020 में सुपौल तक स्टार्ट हो जाएगा। परिचालन ट्रेन्स का एंड सुपौल टू सरायगढ़ बपटियाही एंड सरायगढ़ टू निर्मली का काम भी अधूरा है। और ये बारिश में खूबसूरत ट्रेन गुजर रही है आपके सामने और बेहतरीन कर्व के साथ बंगाली बाजार क्रॉसिंग सहरसा। और ये गार्ड का कोच गार्ड कोच आपके आंखों के सामने गुजरता हुआ है सहरसा जंक्शन का बोर्ड। और इसी बीच दोस्तों ये खूबसूरत से बेहतरीन नज़ारा अभी एक ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ गई। ये लो हम सफ़र एक्सप्रेस। दोस्तों हम सफ़र एक्सप्रेस के बारे में आपको बता दूं, पीएम ने मोतिहारी में कटिहार दिल्ली, जैसे कि आप देख रहे हैं कटिहार दिल्ली, इसका हरी झंडी दिखाई थी। ट्रेन फैसिलिटी की बात आपसे करूं तो हर केबिन में कॉफ़ी टी सूप वेंडिंग मशीन एंड हॉट एंड रेफ्रिजरेटेड पेंट्री साथ में ही कई और फैसिलिटी है, जैसे कि सीसीटीवी। कटिहार दिल्ली चंपारण नाम सफर एक्सप्रेस। और ये सामने का खूबसूरत नज़ारा विथ ट्यूरिंग कृष्ण कुमार हेमंत। हाँ तो मैं कह रहा था ये अभी पावर कट के अभी ये ट्रेन कटिहार से सहरसा एंड सहरसा से वापस दिल्ली जाने को तैयार है। तो दोस्तों मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, शायद आपको मज़ा आए ना, ये तो आपके लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब से ही पता चलेगा, क्योंकि टूरिंग टिप्स आपके लिए बारिश के मौसम पे सहरसा जंक्शन हम सफ़र एक्सप्रेस का। पहले की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था हम सफ़र सहरसा टू बांद्रा एक्सप्रेस, और नाउ अभी आप देखोगे सहरसा टू दिल्ली कटिहार और दिल्ली हम सफ़र एक्सप्रेस। तो हाँ मैं दोस्तों आपको बता रहा था इसकी फैसिलिटी के बारे में। ये ट्रेन सीसीटीवी जीपीएस बेस्ट पैसेंजर इंफॉर्मेशन फायर एंड स्मोक डिटेक्टर एंड आल्सो सुपरविजन सिस्टम के साथ लैस है। ये सहरसा से निकलती हुई कटिहार दिल्ली चंपारण हमसफर एक्सप्रेस आपके आंखों के सामने गुजरती हुई बारिश के मौसम में बेहतरीन नज़ारा। ये बहुत ही प्यारा लुक, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, शायद आपको भी मज़ा आ रहा होगा। हम सफ़र के साथ में सफ़र करने का मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं कि ऑल्सो सुपरविजन सिस्टम भी है इसके अंदर, ऑल बर्थ के साथ नाइट लैंप एंड इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट्स हैं लैपी के लिए आपके लैपटॉप के लिए। खास बात रेलवे का दावा है बच्चों के लिए नैपकिन बदलने की। टेबल फैसिलिटी वाली पहली ट्रेन। साइड बर्थ एक गैप कवर करने की फैसिलिटी भी है हम सफ़र में, जिसके वजह से पैसेंजर को सोने व बैठने में नो एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। और डिसेबल्ड पर्सन फिजिकल हैंडीकैप पर्सन के लिए ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखे ट्रेन नंबर हैं। तो दोस्तों अब हम सफ़र का सफ़र तो बेहतरीन था, तो आपके लिए मैं हम सफ़र भरा ये वीडियो कंपोज किया हूँ बारिश के दिनों में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो।